आज की वीडियो में आपके सामने रिव्यू करूंगा इस बुक को, जिसका नाम है 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। तो यार ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मैं काफ़ी टाइम से चाहता था इस बुक को आपके सामने रिव्यू करना, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बुक के साथ, क्या क्या इस बुक में है, सारी बातें करूंगा मैं आपसे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। इस बुक में कहानी है एक एंटरप्रेन्योर की, एक आर्टिस्ट की और एक बिलियनियर की और एक मोटिवेशनल स्पीकर की। तो कैसे एक जो एंटरप्रेन्योर है जो सुसाइड करने जा रही थी, उसकी जो लाइफ एकदम होपलेस हो गई थी, वो कैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार में जाती है, वहाँ पर वो एक आर्टिस्ट से मिलती है, उसके बाद कैसे उनसे एक बैगर मिलता है और उनकी जो लाइफ है वो एक 360 टर्न लेती है, और कैसे कैसे सब कुछ होता है, वो सारी बातें इस बुक में है। जब मैंने इस बुक को पहली बार पढ़ा था तो जो एक्सपीरियंस इस बुक में होते हैं वो आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर के साथ, वो एक्सपीरियंसेस पढ़कर ऐसा लगता है कि हम भी उस जगह पर हैं। तो यानी कि ये बुक बहुत ज़्यादा कामिंग है, बहुत ज़्यादा सूदिंग और आप पीस वाली फीलिंग देती है। उसके बाद जो ये जो बुक के स्टार्टिंग है, जो 30 से 50 पन्ने इस बुक के हैं, वो मैं कह सकता हूँ थोड़े से स्लो हैं, आपको स्टार्टिंग में पढ़ने में हो सकता है उसको इंटरेस्ट ना आए, पर अगर आप इस बुक को आगे कंटिन्यू करते हो तो ये बुक एक जेम है। इस बुक में बेसिकली बात कर रखी है काफ़ी सारी चीज़ों की, लाइक इसमें माइंड सेट के बारे में बात कर रखी है, इसमें हार्ट सेट के बारे में बात कर रखी है, इसमें हेल्थ सेट के बारे में बात कर रखी है, इसमें सोल सेट के बारे में बात कर रखी है। फिर इस बुक में बात होती है 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर, जो कि हिस्ट्री मेकर्स होते हैं, जो कि हिस्ट्री इतिहास रचते हैं, उनकी ऐसी क्या खास बात है, वो सारी बातें हमें इस बुक में बताई जाती है, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ IQ, उसके बाद उनका जो फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस, उसके बाद डेज चेकिंग। तो वो ये 4 चीज़ें हैं जो करते हैं जिनसे कि वो इतिहास बना पाते हैं। यानी कि इसमें बात करी गई है कैसे एक डिसिप्लिन के थ्रू और एक सुबह जल्दी हैबिट बनाने के थ्रू आप कैसे लाइफ को अच्छे तरीके से अपनी ओर बेंड कर सकते हैं, कैसे आप लाइफ में ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस को पा सकते हैं, कैसे ज़्यादा आप एनर्जी भरे रह सकते हैं, कैसे आप खुश रह सकते हैं, वो सारी बातें इस बुक में करी गई हैं। उसके बाद इस बुक में जो मेन फोकस है वो दिया गया है 20-20-20 फार्मूला को, जिसमें कि बताया गया कि आप अपने दिन का जो स्टार्ट करेंगे, जितने भी बजे आप उठेंगे, उसके जो आप 60 मिनट है, सबसे पहले 60 मिनट है, उसमें आप क्या क्या करेंगे, जब आप 5 बजे उठेंगे तो उन 60 मिनट को आपको बेस्ट तरीके से कैसे आपको लगाना चाहिए, वो सब इस बुक में बताया गया है। इस बुक में बताते हैं कि आपको फर्स्ट 20 मिनट में जमकर पसीना बहाना चाहिए, यानी कि आपको कार्डियो करना चाहिए, उसके बाद आपको दूसरे 20 मिनट में आपको मेडिटेट करना चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए, उसके बाद तीसरे 20 मिनट में आपको कुछ नया सीखना चाहिए, या तो आप बुक पढ़ सकते हो या फिर आप ऑडियो बुक पढ़ सकते हो, आपकी बेसिकली अपनी लर्निंग में कुछ ऐड करना है। तो ऐसे करके ये बुक जो वो कहानी लेकर जाती है और वो जो उनको जो लेसन मिलते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर और बिलियनियर के थ्रू, वैसे उनकी जो लाइफ है वो चेंज होती जाती है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो भी अपनी लाइफ में भटका होता है और जो एंटरप्रेन्योर है वो तो सुसाइड करने जा रही होती है। तो इन कुछ लेसन के थ्रू जो रॉबिन शर्मा है वो उनको समझाते हैं और हमें भी समझाते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से चेंज कर सकें। तो बेसिकली यार मेरा एक्सपीरियंस इस बुक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, मैंने इस बुक से काफ़ी कुछ सीखा है, जो इसमें हैबिट्स की बात करी गई है, जो बेसिकली इसमें बात करी गई है, अगर आप उसको डेली लाइफ में फॉलो करोगे तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। और मेरे हिसाब से रॉबिन शर्मा की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो उन्होंने लिखी है वो है, तो मैं आपको इस बुक को हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये एक तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने इस बुक को पढ़ा था, मैं काफ़ी ज़्यादा काम रहता था, काफ़ी पीस रहते थे मेरे दिमाग में, और उसके बाद इस बुक में मेडिटेशन, जर्नलिंग, उसके बाद आपका एक्सरसाइज का और मेडिटेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्स बता रखा है। अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो एक पॉजिटिव तरीके से टर्न होगी। तो इस बुक को आप पढ़ के अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ज़रूर चेंज कर सकते हैं, पर आपको शर्त है कि आपको जो हैबिट है 5 बजे सुबह उठने की, वो 6-7 दिन तक अपनानी है, और जो बातें इसमें लिख रखी है, जो टाइम टेबल लिख रखा है, आपको उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है, जैसे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओ और 5 AM क्लब है उसको ज्वाइन कर पाओ। यार यही था मेरा रिव्यू 5 AM क्लब का, जो ये बुक है लिखी गई है रॉबिन शर्मा के द्वारा। तो यार आपको ये बुक कैसी लगी अगर आपने पढ़ रखी है, और अगर आपको पढ़नी है तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बुक को लेकर, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए यार अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और आप तब तक के लिए ये वीडियो देख सकते हो या फिर ये वीडियो देख सकते हो या फिर यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।